जय श्री सीताराम दोस्तों, हम खड़े हैं बलि के प्रांगण में जहाँ यज्ञ का पहला दिन है और हम दिखाएंगे आपको कि रात में यह यज्ञ कैसा दिखता है और इसका प्रांगण कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी उपलब्ध है जो किसी भी आपातकालीन सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और आप अभी भी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो देखिए चार एम्बुलेंस यहाँ पे है, ये सब सेवा में तत्पर है। और चलिए अब आगे दिखाते हैं, अब आपको हवन मंडप के पास लेकर चलते हैं। देखिए हवन मंडप दिखाएंगे आपको हम। ये है हवन मंडप, अब हम हवन मंडप को पूरी तरह से आपको दिखलाते हैं। देखिए इसमें 108 हवन कुंड है और सब में हवन हो रहा है। ये सूचना और प्रसारण केंद्र है, यहाँ पे किसी प्रकार की अगर कोई भी असुविधा होती है तो आप यहाँ पर आकर बचाव करवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा खो जाता है या कोई आदमी खो जाता है यहाँ से आकर अपना बचाव करवा सकते हैं। और देखिए साथ ही शिविर भी लगा हुआ है श्री कृष्णा साइड क्लिनिक का, जहाँ आप किसी प्रकार का सेवा पा सकते हैं। अब हम आपको वो दिखा रहे हैं जो यज्ञ का सबसे आकर्षण का केंद्र है, ये मंडप जिसमें 108 कुंडों में सीताराम नाम महायज्ञ हो रहा है। अब चलिए हम इसका दर्शन करते हैं। इस राम नाम कुंज में चार द्वार है जिसमें देख रहे हैं आप, ये राम द्वार है और आगे हम लक्ष्मण और भरत द्वार और शत्रुघ्न द्वार आपको दिखाएंगे। देखिए ये राम द्वार है, चलिए अब आगे दिखाते हैं।
है भरत द्वार, देखिए शत्रुघ्न द्वार ये है। अब चलिए आपको अगला द्वार दिखाते हैं जो भरत द्वार है। और ये हमारा भर द्वार जो तीसरा द्वार है। अब हम चौथे द्वार लक्ष्मण द्वार का दर्शन करेंगे। चलिए चलिए अब हम लक्ष्मण द्वार का दर्शन करेंगे जो अंतिम द्वार है। राम लक्ष्मण भारत द्वार का दर्शन कर चुके थे और ये हमारा अंतिम है लक्ष्मण द्वार और इसका परिक्रमा खत्म होता है। अब हम दिखाएंगे आपको बाबा बागवी के यानी तपस्वी नारायण का वो स्थान जहाँ पे वो तपस्या किया करते थे। ये पर्ण कुटी है, इसमें बाबा तपस्वी नारायण का प्रतिमा स्थापित किया गया है। देखिए जो कितना सुंदर लग रहा है, जो पूरा पत्थर का बनाया गया है। और यह कुटिया है पुराना वाला जो सजाया गया है। ये प्रवचन मंच है जहाँ पर प्रत्येक दिन शाम को 4 बजे प्रवचन किया जाएगा। अतः आप सबों से अनुरोध है कि यहाँ पर आकर प्रवचन सुनकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं और पुण्य का भागी बने। चलिए लगे हाथ थोड़ा मनोरंजन का बात कर ही लेते हैं। तो चलिए अब मेला घूमते हैं यज्ञ का दर्शन करते हुए। अब मेला